जय हिंद स्टूडेंट्स, आई एम ममता गुप्ता, योर एसएसटी टीचर। स्टूडेंट्स, हम लोग लेसन 12। जय हिंद स्टूडेंट्स, आई एम ममता गुप्ता, योर एसएसटी टीचर। स्टूडेंट्स, इस वक्त हम लोग लेसन 12 द क्लाइमेट ऑफ इंडिया पे है। इट मीन्स भारत की जलवायु ना। तो भारत की जलवायु के बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे। तो भारत की जलवायु कैसी है, कहाँ पे कैसी जलवायु पाई जाती है, और हम लोग कौन कौन से सीजन में कैसा फील करते हैं, जैसे कि समर, मानसून और विंटर सीजन में क्या होता है, हम लोग देखेंगे इस लेसन में। नाउ स्टार्ट। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री विद डिफरेंट फिजिकल फीचर लाइक माउंटेन, वैली, प्लेट्यूज, प्लेन्स, एटीसी। दिस लैंड फीचर्स प्ले अ ग्रेट रोल इन द डिटरमिनिंग द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है ना, एक बहुत ही व्यापक कंट्री है, जहाँ का लैंड फीचर है ना, जो फिजिकल फीचर है, फिजिकल फीचर इसके हम लोग पहले ही लेसन में फिजिकल फीचर के बारे में पढ़े थे। तो फिजिकल फीचर जो यहाँ का है वो डिफरेंट टाइप का है ना। तो फिजिकल फीचर जो है हमारा, वो कहीं माउंटेन है, कहीं वैली है, कहीं प्लेट्यू है, कहीं प्लेन्स है ना। तो इस तरह से यहाँ का फिजिकल फीचर है। तो ये जो फिजिकल फीचर बेटा हमारा है, वो हमारी जलवायु पे निर्धारित होता है ना। हमारी जो जलवायु है, इस फिजिकल फीचर पे निर्धारित होती है। जैसे जहाँ का फिजिकल फीचर होता है, वैसे ही वहाँ का मौसम, इट मीन्स जलवायु भी होती है, क्लाइमेट भी होता है। तो जैसे हम एग्जांपल में समझते हैं कि फॉर एग्जांपल, प्लेस इन माउंटेन और हिली एरियाज आर जनरली कूलर देन प्लेन्स। इट मीन्स इसके यहाँ एग्जांपल में आपको बताया गया है कि माउंटेन या हिली जो एरिया है वो जनरली क्या होता है, ठंडा होता है। किसकी अपेक्षा? प्लेन्स की अपेक्षा, मतलब कि मैदानी इलाके की अपेक्षा जो पहाड़ी इलाके हैं वो ज्यादा ठंडे होते हैं। Also places near the sea have a moderate climate. It means, और जो सी जो समुद्र के किनारे का जगह है, जो समुद्र के किनारे का क्षेत्र है, वो moderate type है। It means वहाँ न बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है, न बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो वहाँ की ऐसी जलवायु होती है। Our country has three main season. हमारे country में three main seasons है ना, summer, monsoon and winter. Some parts of India have two more season, spring and autumn. It means हमारा three main season है, ठीक, summer, monsoon and winter, ये तीन main season। लेकिन हमने दो और season को जिसमें देखा है, spring and autumn season को भी, ठीक है। Next summer season, हमारा सबसे पहले summer season हम देखते हैं। The summer season is India begins अराउंड मिड मार्च एंड कंटिन्यूज टिल द एंड ऑफ जून। जो हमारा इंडिया का समर सीजन कब से स्टार्ट होता है? मिड मार्च से। इट मीन्स मार्च के आधे मंथ, जब हाफ मंथ बीत जाता है मार्च का, तो आधे मंथ मतलब मार्च के बीच से हमारा हल्का हल्का गर्मी का मौसम आने लगता है ना। 15 मार्च के बाद से हम देखते हैं, 15-20 मार्च के बाद से हम मौसम जो हमारा होता है वो हल्का हल्का धीरे धीरे गर्म होने लगता है। जनरली ऐसा होता है कि वो मौसम हल्का हल्का गर्म होने लगता है, जैसे जब ठंडी जितना पड़ता है उसकी अपेक्षा ये मौसम हल्का हल्का गर्म होता है, और ये धीरे धीरे ये लगातार गर्म होता जाता है ना, गर्मी आने लगती है धीरे धीरे। और ये कब तक गर्मी रहती है? जून तक, ठीक है। हमारे यहाँ गर्मी कब तक रहती है? जून तक। तो जून तक, जो ये मार्च से लेकर जून तक ये हमारा होता है समर सीजन ना, मार्च से लेकर जून तक का जो मौसम होता है वो हमारा होता है समर सीजन। जनरली द टेम्परेचर स्टार्ट राइजिंग फ्रॉम द मिडिल ऑफ मार्च। इसका जो टेम्परेचर है वो कब से बढ़ने लगता है? मार्च के बीच से ना, आधा मार्च जब बीत जाता है, मिड मार्च ना, तो इसका टेम्परेचर क्या है, वो धीरे 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 बढ़ने लगता है, गर्मी बढ़ने लगती है। इट स्टार्ट गेटिंग हॉटर इन द एंटायर कंट्री, और धीरे धीरे हमारा पूरा कंट्री क्या होता है, गर्म होने लगता है, धीरे धीरे गर्मी आने लगती है। तो गर्मी के दिनों में आप जानते हो कि धीरे धीरे मौसम कितना गर्म हो जाता है। इन नॉर्दर्न प्लेन्स हॉट ड्राई विंड्स कॉल्ड लू ब्लो डस्ट स्टॉर्म एंड आर कॉमन। इट मीन्स जो हमारे प्लेन्स एरिया, नॉर्दर्न प्लेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स हमारा कौन सा एरिया है, यहाँ से ना,
ये एरिया जो है हमारा वो नॉर्दर्न प्लेन्स में आता है। तो ये एरिया को बताया जा रहा है कि जब समर सीजन आता है तो ये एरिया क्या हो जाता है, हॉट हो जाता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे गर्मी हो जाती है और जो हवाएं चलती हैं वो गर्म गर्म हवाएं चलती हैं ना, गर्मी में गर्म हवाएं चलती हैं। तो जो बहुत तेज जब हवाएं चलती हैं, गर्म हवाएं, तो हम लोग उसको कहते हैं ना लू। आप लोग जानते हो ना लू चलने लगा है, हम लोग कहते हैं गर्मी के दिनों में लू चलने लगा है, दोपहर में बाहर नहीं निकलना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा हम लोग के पेरेंट्स बोलते हैं, तो यही लू की बात हो रही है बेटा जो हम लोग जानते हैं ना। डस्ट स्टॉर्म आर कॉमन, और ज्यादातर इसमें क्या होता है कि डस्ट स्टॉर्म मतलब कि धूल भरी आंधी आती है ना, आप लोग देखते हो गर्मी के जब मौसम आता है तो आंधी चलने लगती है डस्ट के साथ, तो ये कॉमन होता है कि गर्मी के दिनों में डस्ट स्टॉर्म आता है। हाउएवर इन द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इट इज कंपैरेटिवली लेस हॉट ड्यू टू द कूल सी ब्रीज कमिंग फ्रॉम द सी। और जो साउदर्न पार्ट है ना, जो इंडिया का साउदर्न पार्ट है, वो क्या होता है कि वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती और न ही बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती, जमाने वाली ठंडी पड़ती ना। कमिंग फ्रॉम द सी, हम लोग जो जो समुद्र के आसपास के लोग रहते हैं उनका क्या होता है कि हम लोग घूमने के लिए ज्यादातर गर्मी के मौसम में, कहते हैं ना समर वेकेशन हो गया, कहीं घूमने चलते हैं, कहीं हिल स्टेशन पे चलते हैं, कहीं और चलते हैं, क्योंकि हमारा जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वो बहुत ज्यादा इन मौसम में गर्म हो जाता है, इसलिए हम दूसरे साइड जाने लगते हैं ना, तो हमें आराम मिलता है। ऑल्सो द हिली रीजन हैव अ कूल, और इसकी अपेक्षा जब हमारे यहाँ गर्मी पड़ती है तो ये देखो हमारे ही कंट्री में कुछ एरिया में ठंडी पड़ती है, कुछ एरिया में गर्मी ना ठंडी रहती है, कुछ एरिया में बहुत ज्यादा ठंडी रहती है, ऐसा मौसम होता है। तो ठीक है, तो हम लोग क्या होता है समर वेकेशन में घूमने चले जाते हैं हिली एरिया पे। द हिली रीजन हैव अ कूल एंड प्लीजेंट क्लाइमेट इवन इन समर, और गर्मी के दिनों में जो हिली एरिया है वहां पे भी मौसम ठंडा होता है, सुहाना होता है, जहां हम लोग देखने घूमने जाते हैं। ड्यू टू विच पीपल फ्रॉम द प्लेन्स गो टू हिल स्टेशन ड्यूरिंग द समर वेकेशन, हम लोग समर वेकेशन में हिल स्टेशन पर घूमने जाते हैं। ओके, नाउ सेकेंड इज मानसून। मानसून और रेनी सीजन इन इंडिया बिगिंस इन जून एंड कंटिन्यूस टिल सेप्टेम्बर। इट मीन्स जो मानसून मौसम आता है, जैसे ही हमारा जून में गर्मी खत्म हो, मतलब खत्म तो नहीं होती लेकिन जैसे ही जून का मौसम आता है धीरे धीरे क्या होता है कि मानसून आने लगता है, ठीक है। तो ये मानसून हमारा कब तक रहता है, सेप्टेम्बर तक कंटिन्यू चलता रहता है, बारिश होती रहती है, जून जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर ये 3 मंथ 4 मंथ ये कंटिन्यू बारिश होती रहती है, हम लोग देखते हैं ना ऐसा। ड्यूरिंग दिस सीजन द मानसून विंड्स कैरिंग मॉइस्चर ब्लो टूवर्ड्स द लैंड। इस सीजन में क्या होता है कि मॉइस्चर आते हैं, मतलब कि अगर हम कोई सामान रख देते हैं तो उसमें मॉइस्चर आ जाता है, नमी आ जाती है ना, क्योंकि जो हवाएं हैं उसमें जो हमारे आसपास जो हमारा हवा चलती है उसमें भी मॉइस्चर होता है ना, नमी होती है। हम बाहर कोई सामान रख देते हैं तो वो खराब हो जाता है क्योंकि उसमें मॉइस्चर, हवा में ही मॉइस्चर है, तो ये मॉइस्चर आ जाता है उसके हवा के साथ साथ। फ्रॉम द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल, ये सब ये मानसून कहाँ से आता है, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के साइड से ना, ये दोनों साइड जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ता है और समुद्र पे दबाव पड़ता है तो आप लोग जानते हो ना वाटर सर्कल कैसे बनता है, तो उसी के दौरान बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी से मानसून चलता है और हमारे कंट्री में आके क्या होता है, बरसता है ना, खूब पानी बरसता है। दिस विंड्स कॉज रेनफॉल फर्स्ट एट द मालाबार कोस्ट, पहली बार बारिश मतलब पहला मानसून का बारिश कहाँ होता है, सबसे पहले मालाबार कोस्ट में ना। स्लोली दिस मानसून विल स्प्रेड ओवर द होल कंट्री, ये धीरे धीरे मानसून जो है वो पूरे कंट्री में धीरे धीरे फैलने लगता है, ब्रिंगिंग रेनफॉल टू द एंटायर कंट्री, और ये सभी जगह बरसने लगती है, बारिश होने लगती है ना, धीरे धीरे सब जगह बारिश मानसून फैल जाता है और बारिश होने लगती है। हाउएवर सम रीजंस लाइक द कोस्टल रीजन रिसीव हैवी रेनफॉल वाइल प्लेस लाइक राजस्थान एंड गुजरात रिसीव स्कैंटी रेनफॉल। इट मीन्स जैसे हम पढ़ते हैं क्या कि अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से जो मानसून आता है वो सब जगह क्या बराबर बरसता है, नहीं ना, कहीं ज्यादा बरसता है, कहीं कम बारिश होती है, तो इस तरह से मानसून हमारा कहीं बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है। जैसे कि हाउएवर सम रीजंस लाइक कोस्टल रीजन रिसीव हैवी रेनफॉल, इट मीन्स जो हमारा कोस्टल रीजन है, क्षेत्र है, जो कोस्टल एरिया है वहाँ क्या होता है बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है, जबकि इसकी अपेक्षा गुजरात और राजस्थान में
कम बारिश होती है। दस सम एरिया एक्सपीरियंस ड्रॉट ड्यू टू स्कैंटी रेनफॉल ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वाइल अदर्स फेस फ्लोट लाइक कंडीशन ड्यू टू कंटिन्यूस हैवी रेनफॉल। इट मीन्स क्या होता है कि कुछ जगह पर इतनी ज़्यादा बारिश हो जाती है कि फ्लोड आ जाता है, इट मीन्स बाढ़ आ जाता है ना, इतना लंबा बरसने लगते हैं, इतना बारिश हो जाता है कि फ्लोड आ जाता है। लेकिन ऐसा होता है कुछ एरिया में इतना कम बारिश हो जाता है होती है कि वो एरिया में सूखा पड़ जाता है। ठीक है, तो वहाँ क्यों सूखा पड़ जाता है? क्योंकि वहाँ बारिश कम होती है। और फ्लोड क्यों हो जाता है? क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है तो इसलिए फ्लोड आ जाता है। जैसे माउंटेन एरिया में बहुत ज़्यादा बारिश हुई, ठीक है, जैसे आप समझिए कि जो हमारा माउंटेन एरिया होता है उसमें बहुत ज़्यादा बारिश हुई, तो जो ऊपर पहाड़ों पे जो बारिश हो रही है वो नीचे की साइड आता है, वो पानी क्या होता है नीचे की साइड आता है, तो नीचे जो प्लेन्स होता है, नीचे जो प्लेन्स होता है उस पर बारिश का पानी आके भर जाता है जिससे कि फ्लोड आ जाता है। ठीक है, आफ्टर द मानसून द वेदर बिकम्स कूलर एंड प्लीजेंट। और जब ये मानसून हमारा जाता है मतलब ख़त्म होता है आता है तो इस मौसम कैसा हो जाता है? ठंडा और सुहाना हो जाता है। एंड मोस्ट ऑफ ट्रीज शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग दिस टाइम। और ज़्यादातर ट्रीज क्या होते हैं अपने पत्तियों को इस टाइम क्या करते हैं, जो पुरानी पत्तियां होती हैं उसको छोड़ के गिरा देते हैं। ठीक है, उसे गिरा देते हैं और उसमें न्यू पत्तियां आ जाती हैं, लीव्स आ जाते हैं। दिस इज द ऑटम सीजन एंड कम जस्ट बिफोर द विंटर सीजन। जैसे ही जब हमारा ये विंटर सीजन आता है, जब हमारा ये विंटर सीजन आने लगता है तो उसके पहले जो मौसम होता है जिस टाइम पेड़ की सारी पत्तियां क्या होती हैं अपने पेड़ के अपने पेड़ जो हैं, जब मानसून आता है तो उस टाइम उसके पहले गर्मी का मौसम होता है, तो जब गर्मी का मौसम होता है तो क्या होता है पेड़ में पानी कम होता है, पेड़ कम पानी मिलता है उसको, ट्री को पानी भी बहुत कम मिलता है, तो उसकी वजह से जो पत्तियां होती हैं वो ड्राई होने लगती हैं या फिर पेड़ भी सूखने लगते हैं। फिर जब मानसून आता है तो वो पत्तियां और पेड़ थोड़े हरे भरे हो जाते हैं, तो जो हमारी जो पुरानी पत्तियां हैं वो उसे छोड़ देता है उस टाइम ना, तो उस टाइम जब उस पत्तियों को छोड़ देता है और न्यू लीफ आ जाते हैं कब, मानसून आने पर। तो उस सीजन को जैसे ही हमारा ये मानसून खत्म होता है और विंटर स्टार्ट होता है उसी बीच में हमारा ऑटम सीजन आता है। तो ऑटम सीजन कब आता है? विंटर के जस्ट पहले। ओके, नाउ विंटर सीजन, द विंटर सीजन इन इंडिया बिगिंस फ्रॉम ना स्टार्ट विंटर सीजन। द विंटर सीजन इन इंडिया बिगिंस फ्रॉम मिड नवंबर एंड लास्ट टिल फरवरी ड्यूरिंग विंटर। हमारा विंटर सीजन बेटा कब आता है? जब हमारा विंटर सीजन तब स्टार्ट होता है जब ये मिड नवंबर, इट मीन्स नवंबर का जब आधा मंथ, इट मीन्स 15 नवंबर के बाद से हमारा क्या होता है हल्का मौसम ठंडा होने लगता है। ठीक है, जैसे ही मानसून हमारा खत्म होता है उसके बाद ये ऑटम सीजन आ जाता है, और उसी के जस्ट जैसे ही नवंबर हमारा आधा खत्म होता है तब हमारा विंटर सीजन स्टार्ट हो जाता है। आप सब जानते हो नवंबर में हमें ठंडी लगने लगती है, हाँ हमें फील होने लगता है कि मौसम ठंडा होने लगा। और ये ठंडी कब तक रहती है? फरवरी तक, लास्ट फरवरी तक। ठीक है, लास्ट फरवरी तक हमारी ठंडी रहती है। ड्यूरिंग विंटर द डेज बिकम शॉर्टर। जब विंटर का मौसम होता है तो क्या होता है जो दिन होते हैं वो हमारे छोटे हो जाते हैं, एंड द नाइट लॉन्गर, और जो रात होती है वो लंबी हो जाती है। तो दिन हमारे छोटे होते हैं तो जाहिर सी बात है हमारी रात जो है वो लंबी हो जाएगी क्योंकि रात जल्दी हो जाता है। तो कोल्ड विंड स्टार्ट ब्लोइंग मेकिंग द एयर कूलर इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। और क्या हो जाता है जब हमारे यहाँ जब हम ठंडी होती है ना, जब हम लोग के नॉर्दर्न प्लेन्स पे हम लोग हैं, आप लोग जानते हो, तो जब प्लेन्स पे इतनी ठंडी होती है तो सोचो माउंटेन एरिया पे कितना ठंडा होता होगा ना। तो क्योंकि उस टाइम माउंटेन पे क्या होते हैं स्नोफॉल होने लगते हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ पे बर्फ गिरने लगती है ना, तो इसकी वजह से जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं उधर ही से हवा चल के आती है, सारी हवा जब उधर ही से आती है तो वो हवा क्या लेके आती है, ठंड लेके आती है, जो कि हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स को बिल्कुल ठंडा बना देती है। दिसंबर एंड जनवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ। सबसे ज़्यादा ठंडी कब पड़ती है? दिसंबर और जनवरी में।
दिस इज हैवी स्नोफॉल द हिमालयाज। इस टाइम क्या होता है कि हिमालय पर बहुत ज्यादा स्नोफॉल होता है। इस टाइम हिमालय पे जनवरी या फरवरी में बहुत ज्यादा ठंडी होती है। माउंटेन्स पे जब बर्फ गिरती है, बारिश आ जाती है और बर्फ स्नोफॉल होता है, तो वहाँ की जो हवाएं हैं वो नॉर्दर्न नॉर्थ मतलब प्लेन्स पे, प्लेन्स की साइड आती है ना, इस साइड में हम लोग की साइड में आने लगती हैं, तो वो हवाएं जो है वो बहुत ठंडा मौसम लेके आती है, जिससे हमारे यहाँ फॉग हो जाता है, इट मीन्स कोहरा हो जाता है, कभी कभार स्नो भी यहाँ पे बर्फबारी भी होने लगती है ना, बर्फ गिरने लगता है ठंडी में, बारिश होने लगती है और धूप नहीं लगती, इस टाइप का फील हमें होने लगता है, हमारा मौसम एकदम ठंडा हो जाता है। देयर इज हैवी स्नोफॉल इन द हिमालयाज एज द रिजल्ट इज बिकम सर्वली कोल्ड इन द हिली रीजन, और वो हिली रीजन जो है पहाड़ी इलाका क्या है वो बहुत ही ठंडा हो जाता है। हाउएवर द साउदर्न पेनिनसुला हैज द मॉडरेट क्लाइमेट ड्यूरिंग विंटर टू, हैंस इन नॉट नॉट टू कोल्ड, इट मीन्स जैसे हमने अभी समर और मानसून वाले मौसम में देखा, तो समर में मानसून में हमने देखा कि सबसे पहले कोस्टल एरिया बारिश होती है, हाँ, और समर में मैंने देखा, हम लोगों ने समर सीजन में देखा कि कोस्टल एरिया में ठंड गर्मी इतनी नहीं पड़ती जितना हम लोग के यहाँ होता है। तो ऐसे ही ठंडी वाली मौसम में भी बेटा होता है कि जब मौसम विंटर सीजन आता है, तो जो साउदर्न पेनिनसुला, जो साउदर्न पेनिनसुला का जो एरिया होता है वो क्या होता है, मॉडरेट क्लाइमेट वहां का होता है ना, बहुत ज्यादा वहां पे ना ठंडी पड़ती है ना बहुत ज्यादा वहां पे गर्मी पड़ती है। डिजर्ट आर कूल ड्यूरिंग द डेज बट एक्सट्रीमली कोल्ड ड्यूरिंग द नाइट्स, और जो डिजर्ट एरिया होता है वो क्या होता है, डिजर्ट एरिया जो होता है वो दिन में क्या होता है, ठंडा होता है, और रात में वहां पे बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती है, ठीक है। और वैसे नॉर्मली क्या होता है, डिजर्ट एरिया में दिन में गर्मी होती है और रात में वहाँ पे बहुत ठंडी होती है। आफ्टर द विंटर मंथ ऑफ फेबरी, फेबरी के मंथ में, मंथ के बाद द एयर स्टार्ट वार्मिंग अप, धीरे धीरे जो हवाएं होती हैं वो गर्म होने लगती हैं, ठीक है। फिर वही जो हमने पहले देखा कि मिड मार्च में गर्मी आती है ऐसे वैसे, ठीक है, अभी हमने मानसून के बारे में स्टार्ट, तो फिर यही कंटिन्यू चलता रहता है कि फरवरी में विंटर सीजन खत्म होता है, द एयर स्टार्ट वार्मिंग अप, हवाएं धीरे धीरे गर्म होने लगती हैं इन द मंथ ऑफ मार्च, और मार्च महीने में द वेदर बिकम्स प्लेजेंट एज द इट इज नाइदर टू कोल्ड नॉर टू हॉट, इट मीन्स जो हमारा मार्च का मंथ होता है, फरवरी खत्म होने के बाद जो हमारा मार्च का मंथ होता है, तो उसमें क्या होता है, वो मौसम बिल्कुल सुहाना हो जाता है, नहीं बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है उस मौसम में, नहीं गर्मी लगती है, नहीं मौसम ठंडा होता है। प्लांट्स जनरली बियर न्यू लीव्स, और क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं वो उस मौसम में भी न्यू लीव्स लेने लगते हैं एंड फ्लावर्स, एंड इट इज़ कलरफुल ऑल अराउंड, और चारों तरफ हमारे मौसम सुहाना होता है, अच्छा होता है, कलरफुल होता है। दिस इज़ द स्प्रिंग सीजन, उस मौसम को क्या कहते हैं बेटा, स्प्रिंग सीजन, विच कम्स जस्ट बिफोर द समर सीजन। ये कब आता है, जैसे ही हमारा समर सीजन खत्म होता है ये, और हमारा स्प्रिंग सीजन कब आता है, जैसे ही हमारा विंटर सीजन खत्म होता है और समर सीजन आने वाला होता है, इसके जस्ट बिफोर हमारा स्प्रिंग सीजन आता है, ठीक है। तो ये स्प्रिंग सीजन कब आता है, जब हमारा समर सीजन स्टार्ट होने वाला होता है। इस टाइम क्या होती है, जो पत्तियाँ होती हैं वो न्यू पत्ती उसमें से निकलने लगती हैं स्प्रिंग सीजन में, ठीक है। ये मौसम बहुत ही अच्छा होता है स्प्रिंग सीजन का, इसमें ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, बिल्कुल प्लीजेंट मानसून मौसम होता है, ठीक है। दस वी हैव फाइव डिफरेंट सीजन्स थ्रू आउट द ईयर, हम लोग पूरे साल में पांच तरह के सीजन को देखें, ठीक है। कौन कौन से बेटा, कौन कौन सा सीजन देखा हम लोगों ने, समर सीजन, विंटर सीजन, मानसून, ठीक है, ये तीन मेन सीजन है, और टू हमारे एक स्प्रिंग सीजन एंड ऑटम सीजन, ये हमारे अदर सीजन्स हैं। तो कुल मिला के हमारे पास फाइव सीजन हैं जो हम पूरे साल में देखते हैं। ओके, नाउ थैंक यू, हैव अ नाइस डे।